नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरजे न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ आरती बेनिया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख ने किया। बता दें कि महापौर हेमा देशमुख ने इस अवसर पर कहा कि भूपेश बघेल सरकार की 2 वर्ष पूरे होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की थीम पर आधारित है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा और अपर कलेक्टर सीएल मार्केंडे और उप संचालक उषा किरण सहित कलेक्ट्रेट स्टाफ सभी मौजूद रहे। आज कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के 2 वर्ष पूरे होने की कार्यो की प्रदर्शनी लगे। आज इस प्रदर्शनी पे मैं उपस्थित हुई। हमारे सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बधाई देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कहते हैं सो करते हैं और करके दिखाते हैं, और उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में सतत विकास किया। उन्होंने किसानों के लिए हित के लिए सोचा, चाहे समर्थन मूल्य की बात हो या राजीव गांधी न्याय योजना की बात हो। उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा, चाहे गोधन न्याय योजना के तहत उनको जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया, चाहे उनकी सुपोषण की बात आती है या बच्चों की कुपोषण दूर करने की बात आती है तो उनको अच्छा पौष्टिक खाना देने के लिए कोरोना काल में उन्होंने 3 महीने उनके लिए सूखा राशन उपलब्ध कराया। जब शिक्षा की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार प्रयास रहा, और इसी के तहत जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, गरीब बच्चे अंग्रेजी माध्यम है, उनके लिए स्कूल खुला। रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य प्रगति की ओर है, पट्टा दिलाने का काम किया, और साथ ही साथ मनरेगा के माध्यम से 11 करोड़ मजदूरों को रोजगार देने की। हमारे छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है। कोरोना काल में भी उनकी हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं पड़ी, और सबसे ज़्यादा GST का अगर संग्रहण है तो छत्तीसगढ़ में है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं सो करके दिखाते हैं, जो बोला सो किया। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को और हमारी आम जनता को 2 साल की पूर्ण होने पर गाढ़ा गाढ़ा बधाई देती हूँ।